गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने दीज और दोज का यूज़ सीखा था, और उससे पहले हमने दिस और दैट का यूज़ भी सीखा था, और वोवल कॉन्सोनेंट सीखे थे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने प्रैक्टिस किए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आज हम हमारा एक न्यू टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, यूज़ ऑफ इज, एम एंड आर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिस दैट वाला जो टॉपिक क्लियर करवाया था उसके अंदर हमने सीखा था कि दिस के साथ आपने क्या लगाया था, दिस इज अ, दैट इज अ, और फिर जब मैंने दीज दोज पढ़ाया था तो फिर हमने क्या लिखा था, दीज आर, दोज आर, है ना। तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने उसमें तो इज लिखवाया था, फिर बाद में दीज दोज करवाया तो उसमें आर लिखवाया था, तो उसका यूज हम किन प्लेसेस पे कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये थिंग डाउट कर रही होगी, इसलिए हमको ये टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा कि इसका यूज़ कैसे होता है, एम का यूज़ कहाँ पर होता है और आर का यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे कि इस एम आर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं। ठीक है, तो हम तीनों को अलग अलग अच्छे से समझेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे कि इज का यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ हम सीखेंगे कि हम एम का यूज़ कहाँ पर करना है हमें, और यहाँ पर हम करेंगे कि हम आर का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इज, एम और आर तीनों का यूज़ हमेशा प्रेजेंट में होता है ना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि जो हम अभी कर रहे हैं, जो अभी है ना। और पास्ट का मतलब क्या होता है कि जो हो चुका है, और फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि जो होगा, है ना। तो इज एम आर का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं और वो हमारे आज से रिलेटेड है ना, अभी के लिए अगर हम कुछ बता रहे हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, यानी कि जिसमें अभी की बातें कर रहे हैं हम, आज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई मैं पुरानी बात आपको बताती हूँ, जैसे कि थोड़े दिन पहले मैं वहाँ गई थी, ठीक है, मैंने वो देखा था, तो ये पुरानी बातें हो गई, पास्ट की बातें हो गई। ठीक है, तो वहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो एक तीनों की एक कॉमन चीज़ ये ध्यान में रखनी है आपको कि इज, एम और आर का यूज़ हमेशा प्रेजेंट के साथ होता है ना। जब हम प्रेजेंट कंटेंट से रिलेटेड कुछ बताते हैं, लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। अब इन तीनों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो वो हम सीखते हैं। सबसे पहले इज का यूज़ कहाँ होता है, तो इज का यूज होता है कोई भी एक चीज के लिए, है ना। कैसे होता है एक चीज के लिए, देखिए जैसे हमने पहले दिस दैट सीखा था, दिस इज अ एप्पल, है ना। अ एप्पल लगाया, यानी कि एप्पल कितना है, एक, तो हमने क्या लगाया, दिस इज, क्योंकि एप्पल कितना है, एक, तो हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, जैसे He is my friend. पीछे वाला पार्ट देखना है सेंटेंस का, है ना। ये इज एम आर किससे लगता है, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना सेंटेंस का, वो देख के आपको पता लग जाएगा। जैसे ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स लगा होता तो हम यहाँ पे इज नहीं लगाते, और यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड लगा हुआ है, फ्रेंड कितना है, एक ही है ना, माई फ्रेंड, दैट मीन्स कि वो एक ही फ्रेंड है, तो क्या लगाया, इज लगा दिया हमने। अब इसी तरह से देखो, एम का यूज हमेशा किसके साथ होता है, आई के साथ। एम का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ। अब इसमें कोई अलग अलग चीजें बताने वाली नहीं है, एम का यूज हमेशा आई के साथ ही होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। आई एम अ गुड बॉय लिखते हैं ना, बोलते हैं आप, आई एम अ गुड बॉय, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। उसी तरह से आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल,
आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जहां पर भी आई लगता है उसके साथ आपको क्या लगाना है, एम। देखो ना, यहाँ सबके साथ हमने एम किसके साथ लगाया है, आई के साथ, आई के साथ और आई के साथ एम एम एम, है ना। तो आई का यूज किसी और के साथ, एम का यूज किसी और के साथ नहीं होता है, एम का यूज सिर्फ आई के साथ ही होता है, ठीक है। अब जैसे आर वाला देख लेते हैं। अब जैसे मैंने ये बताया कि इज का यूज कहाँ करते हैं हम, कोई चीज एक होती है तो आई आर का यूज हम कहाँ करेंगे, अगर वो एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, है ना। अगर एक होगी तो हम इज लगाएंगे, और एक क्या होगा, सेंटेंस के पीछे वाला पार्ट देखो, इज के बाद वाला जो, जहाँ हम इज एम आर लगा रहे हैं उसके बाद वाला पार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अ एप्पल, तो इज लगा दिया। माई फ्रेंड, एक ही है तो हमने इज लगा दिया। अब इसी से उल्टा देख लो, हम आर का यूज कैसे करेंगे, जैसे उसी सेंटेंस को देख लेते हैं। दीज आर एप्पल्स, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एप्पल्स, यानी कि वो एक से ज्यादा है। आपने सिंगुलर प्लूरल प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हम इस क्लास में भी और पढ़ेंगे, पर एक बार के लिए आपको पता होगा कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है। सिंगुलर का मतलब होता है कि वो एक होता है, और प्लूरल का मतलब होता है कि वो एक से ज्यादा है। तो जहां पर आपको लग रहा है कि वो नंबर में एक से ज्यादा है तो वहां आपको आर लगाना है। जैसे देखो, दीज आर एप्पल्स, और देख लेते हैं, दे आर माय फ्रेंड्स। अब जैसे वहां हमने वो सेंटेंस देखा था, उसमें एक फ्रेंड था, और यहाँ पर कितने फ्रेंड्स हैं, ज्यादा हैं एक से, क्योंकि एस लग गया। एस मीन्स कि वो नंबर में ज्यादा है, तो हमने क्या लगाया, आर लगाया, है ना। हमको फिर यहाँ पर इज नहीं लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। जैसे और सेंटेंस देख लेते हैं, बर्ड्स, अब यहां क्या लगाएंगे आप, बर्ड्स, है ना। सेंटेंस को रीड करके ही आपको पता लग जाएगा कि उसमें कोई ना कोई प्लूरल है छिपा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इज एम और आर लगाना है। अब जैसे यहां दे, है ना, सब्जेक्ट देख लिया आपने, दे यानी वो, बहुत सारे, और इधर भी आपको पता चल रहा है कि फ्रेंड्स है। अब यहाँ पर इसमें, इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पर है बर्ड्स, पर इससे हमें नहीं पता लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमें इससे तो पता लग रहा है ना, बर्ड्स मीन्स वो वन से ज्यादा है, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है ना। तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, आप पूरे सेंटेंस को देख लीजिए, या तो पहले वाले पार्ट से पता लग जाएगा, नहीं तो पीछे वाला पार्ट देख के पता लग जाएगा, है ना। सेंटेंस रीड करके आपको पता लग जाएगा कि आपको उसमें इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। इसका तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि जहां पर आई आएगा उसके साथ आपको एम लगाना है, है ना। और आर आपको कहां लगाना है, या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जहां ऑब्जेक्ट लग रहा है वो प्लूरल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं, जैसे वी, वी का मतलब क्या होता है, हम सब, तो एक से ज्यादा है ना, वी का मतलब क्या होता है, हम, तो हम के साथ क्या लगाएंगे, हम आर, वी आर कमिंग, ठीक है, वी आर कमिंग, क्योंकि यहां हम है, यानी कि एक से ज्यादा है, ठीक है। तो इसके साथ हमको आर लगाना है, और देख लेते हैं, देयर सम पेंस, अब देखो यहां पर हमने क्या लगाया, पेंस, सम पेंस, यानी कि हमको रीड करके पता चल रहा है कि वो एक से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर पेंस लिखा हुआ है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, देयर आर सम पेंस, ठीक है। तो जितने भी वहां सारे सेंटेंस हमने लिखे हैं वो प्लूरल के हैं, यहां पर और सिंगुलर के और देख लेते हैं। जैसे बर्ड इज फ्लाइंग, देखिए बर्ड एक ही है, क्या लगाया हमने, इज, फिश इज स्विमिंग, फिश कितनी है,
एक ही है तो हम क्या लगाएंगे, फिश इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे अगर फिशेज होता तो हम आर लगाते, पर यहाँ पर फिश है तो इसलिए हमने इज लगाया। ठीक है, अब जैसे किसी के लिए लिख दिया हमने शी इज गोइंग, वो जा रही है, तो शी मतलब एक ही है वो, तो हमने क्या लगाया शी इज गोइंग। ठीक है, तो ये जो सारे सेंटेंस हमने देखे, इसका यूज, एम का यूज और आर का यूज, तो ये जो सारे सेंटेंस है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आप मेरे पास तो ब्लैकबोर्ड वाइड है थोड़ा, तो एक ही स्क्रीन पे सब आ जाता है, पर आपको अपनी नोटबुक में जैसे स्पेस हो, है ना, पहले इस वाले सेंटेंस लिख लें, फिर एम वाले लिख लें और फिर आर वाले लिख लें, है ना। तो आज के एज अ क्लास वर्क आपको ये सारा अपनी नोटबुक में करना है, और होमवर्क में आपको कोई भी इसी तरह से कोई सेंटेंसेस आप खुद प्रैक्टिस करें रफ नोटबुक में, और 10 सेंटेंसेस ऐसे खुद प्रैक्टिस करके अच्छे से बनाए, मैं साइड में हो जाते हो, एक बार आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। गुड मॉर्निंग क्लास, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हम लोगों ने फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर, सिक्स क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चन तक मैंने आपको क्या क्या बताया था, लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन किया था जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था, और सिक्स वाला क्वेश्चन जो था वो आपको बुक में ही करने को दिया था मैंने, है ना। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे, ठीक है। तो अब ये है ग्रेटर देन लेस देन, ये भी आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हो, लेकिन अब क्या हो गया, डिजिट इंक्रीज हो गई, मतलब डिजिट बढ़ गई ना, 100 की पोजीशन पे आ गया। पहले सिंपल सिंपल सा करते थे, जैसे 14 और 15 में कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो इस तरफ सिंपल कर दिया, जैसे 15 और 20 में क्या ग्रेटर है तो ये इस तरफ आ गया, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल के लिए इक्वल टू का साइन लगा दिया, ऐसे आप लोगों ने खूब सारे किए हैं। तो अब आते हैं अपना 100 पोजीशन पे, तो आप लोगों को अब इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन ये सिंबल भरना है, और 8 से लेकर के आई तक सारे ही नोटबुक में करने हैं। पहले बुक में फिल कर लेते हैं इसको, कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ आप लोगों को सेल्फ करने हैं। सेवन्थ का ए देखो, 46 और 64, ठीक है, कौन है इसके अंदर बड़ा, आपको बताना है। जो ग्रेटर होता है ना उसकी तरफ ऐसा ओपन हिस्सा आता है ना, ओपन साइड आती है, और जो लेस होता है उसकी तरफ ऐसी क्लोज साइड जाती है, ठीक है। तो इसमें से ये 46 है, ये 64 है, जाहिर सी बात है 64 बड़ा, तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है, ओपन साइड 64 की तरफ जाएगी। फिर आया इसका बी, 97 और 101, ये तो 97 है और ये 100 है, मतलब 100 से ज़्यादा है। जैसे आप लोगों को मैं पैसे में बताती हूँ, अगर मैं किसी को 100 रुपीज़ दूँ और किसी को मैं 200 रुपीज़ दूँ, ठीक है, या तो फिर मैं किसी को 50 दूँ या फिर किसी को 100 दूँ, तो कौन सा बड़ा हुआ, 50 रुपीज़ बड़ा हुआ या 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ ना, तो ऐसे ही आएगा इसमें 97 बड़ा या 101 बड़ा, तो कौन बड़ा है, 101, ठीक है, तो इस तरफ ओपन साइड, ठीक है। बाकी सी वाला, बाकी के सब आप लोगों को करना है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है। और यह है 406, देखो 460 और 406 किस तरफ जाएगा, 460 है ये और ये ओनली 6 है, तो इस तरफ आएगा, ठीक है। फिर इसका डी, डी देखो 80 और 800 में क्या है, 800 की तरफ जाएगा। ई वाला देखो इसका 897 और 987 किस तरफ जाएगा, 800 है ये और ये 900 है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, 897 और 987, सिर्फ नंबर्स को इधर उधर फेर बदल कर दिया, इसमें 800 आ रहा है, इसमें 900 आ रहा है, तो 900 बड़ा हुआ ना। एफ वाला देख लो, ठीक है, इसका एफ है 243 और इधर भी 243, अब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो क्या आएगा, इक्वल सिंबल, ठीक है। आप लोगों को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू फिल करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, इसके सारे ही आप लोगों को अपने पहले तो बुक में करना और फिर आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। सेवन्थ का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का होमवर्क है ए टू आई तक, क्लियर। अब आ जाइए आपका एट्थ क्वेश्चन,
ग्रेटर द नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट के ऊपर क्या करना है आपको, सर्कल बनाना है। इरेज करूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना इसको और अच्छे से। जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन साइड, जो क्लोज होता है उसकी तरफ, जो स्मॉल होता है उसकी तरफ क्लोज साइड, ठीक है, और जो दोनों बराबर होंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल बनाना है। 106, 601, 160, 660 और 606। आप लोगों ने काउंटिंग तो सीखी है सेकेंड क्लास में, है ना, 1 से लेकर के 100 तक, फिर 100 के बाद से काउंटिंग भी और आती है, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके 200 तक, फिर 201, 202, 203 ऐसे करके 300 तक। ये सारी काउंटिंग आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, नहीं है तो रफ में प्रैक्टिस करके इसको लर्न करना, ठीक है। अब मैं आपको काउंटिंग तो नहीं लिखवा सकती नोटबुक में, लेकिन आप लोगों को रफ में काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, तभी ये पढ़ना आएगा। जैसे आप लोगों को, जैसे मैंने ये लिख दिया 101, तो ये तो 100 वाला हो गया, फिर 200 भी आता है, फिर ऐसा कैसा 300 भी आता है, फिर 400 में भी आता है, फिर 500 में भी आता है, फिर 600 में भी आता है, ऐसे करते अपन जाते हैं ना, 900 तक अपन ने पढ़, 1000 तक अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो 900 हो गया, 901, 902, 903, 904, ऐसे आपके पूरी काउंटिंग होती है। तो ये आपके 600 की पोजीशन पे दे रखा है आप लोगों को, है ना, 600 वाला दे रखा है। तो ऐसे मत कुछ सोचना कि क्या पढ़ना है इसको, और नहीं आती है तो पहले काउंटिंग सीखना रफ में, अपने पहले सारे के सारे 1 से लेकर के 1000 तक सारी काउंटिंग लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी अपन नोटबुक में तो नहीं लिख सकते हैं काउंटिंग, लेकिन आप लोगों ने सेकंड में पढ़ा है काउंटिंग करना, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, ये 100 है, ये 600 है, ये 100 है, ये 600 है, ये 600 है। अब 600 वाले कौन से, ये ये ये, इन तीनों में चेक करना है। तो ये 600 कौन है, 1, ये 660 है, और ये 606 है, तो कौन बड़ा हुआ, 660। ऐसे इस पे सर्कल करना है, इसका बी वाला देखो 495, 695, 905, 995 और 395, ठीक है। अब इसमें से आपको ग्रेटर बताना है, तो चेक कीजिए, सबसे पहली डिजिट चेक करो, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 3 है, तो सबसे पहले पता चल रहा है हम लोगों को 9 वाला बड़ा होता है। ये तो बताया ना कि 4 बड़ा या 9 बड़ा, या 3 बड़ा या 9 बड़ा, 6 और 9 में भी 9 बड़ा है, तो 9 वाले 2 डिजिट आ गई, तो इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। अब इसमें सेकंड पोजीशन पे कौन है, 0, और इसमें सेकंड पोजीशन पे कौन है, 9, मतलब इसको पूरा पढ़ते हैं 95 और इसको पढ़ेंगे 5, तो कौन बड़ा, 95 बड़ा या 5 बड़ा, 95 ना, तो इसके ऊपर सर्कल आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सर्कल ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर, बाकी के इसका सी और डी आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है, इसके 2 ही करने हैं आपको, 8 का सी और डी, ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। फिर आ जाइए 9th क्वेश्चन, 9th में है सर्कल ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पे सर्कल करना है, इसमें लार्जेस्ट पे सर्कल करना था या ग्रेटेस्ट पे, ठीक है, करो इसको। ए वाला देखो इसका 63, 178, 93, 215 और 302। पहले तो देख लो 3-3 डिजिट वाले कौन है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, तो 100 वाले में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि अपने को छोटा देखना है, स्मॉल देखना है। तो 2 डिजिट वाले कौन है, 93 और 63। अब इनमें से भी छोटा कौन, 9 छोटा या 6 छोटा, 6 छोटा, तो 6 पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है बिल्कुल। इसका बी वाला देखो 999, 925, 963, 945 और 909, ठीक है। इसमें से चेक करते हैं, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। फिर सेकंड डिजिट चेक करो, इसमें 9, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 0, तो कौन सा छोटा हुआ सबसे, 0 वाला, तो इस पे सर्कल आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना, फर्स्ट डिजिट चेक करना, अगर सब में सेम है तो सेकंड डिजिट पे आना, अगर सेकंड डिजिट में भी ना पता चले तो फिर थर्ड डिजिट चेक करना, ठीक है। तो ये आप लोगों के स्मॉलेस्ट पे सर्कल और ग्रेटेस्ट पे सर्कल।
ठीक है। अब इसके आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग पे। असेंडिंग डिसेंडिंग भी आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा है, लेकिन वो क्या होता था कि छोटी संख्या होती थी, अब अपने बड़ी संख्या आती है इसके अंदर। तो 9th और 10th क्वेश्चन पे देखो, सॉरी इसमें ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये अरेंज इन द इंक्रीज ऑर्डर था। इंक्रीज ऑर्डर है तो इसको आप लोगों को क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर तो दे ही नहीं रखा है, ये आपको सिर्फ मैंने समझाया है स्मॉलेस्ट नंबर में ऐसे करना है और ग्रेटेस्ट नंबर में ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9th नहीं है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्कल है और ये ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल है। आप लोगों को स्मॉलेस्ट वाला तो दिया नहीं है नोटबुक में, बुक में नहीं दिया है ना, ये वाला आप लोगों को अपनी बुक में नहीं करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। और ये वाला आप लोगों को क्या है, नोटबुक में करना है। इसके मैंने 2 क्वेश्चन ही दिए आज, स्मॉलेस्ट वाला ये वाला आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।